मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला की 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट एएसआई ने हाईकोर्ट में पेश कर दी है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे में मूर्तियां मिली है, वहीं मुस्लिम पक्ष की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी है। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने इसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में पेश कर दिया है। बता दें कि यह रिपोर्ट करीब 2000 पन्नों की है, वहीं जिनमें कई अहम खुलासे हुए हैं। लगातार 98 दिन तक चले इस सर्वे में टीम को कई अवशेष मिले हैं। भोजशाला के कई बड़े हिस्से में खुदाई भी की गई है। दावा किया गया है कि खुदाई के दौरान पुरानी मूर्तियों के अवशेष धार्मिक चिन्ह मिले हैं। वहीं अफसरों ने सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई है। सर्वे रिपोर्ट में खुदाई में मिले अवशेषों के फोटो भी प्रस्तुत किए गए, वहीं जिन्हें रिपोर्ट में शामिल कर कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं भोजशाला के मसले पर एक पक्ष पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया था कि साइंटिफिक स्टडी करने के दौरान भोजशाला के भौतिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट को यह सख्त निर्देश भी दिए थे कि वह फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकेगा। इसी वजह से हिंदू पक्ष अब एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। हिंदू जनता जो सदियों से धार में पूजा करने के लिए तैयारी थी और जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, और पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है। कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद शास्त्र संस्कृत धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था, और उस जगह पर केवल हिंदू और हिंदू पूजा ही हो सकती है। 7/4/2003 को जो एसआई ने ऑर्डर किया था नमाज पढ़ने का, उनका आदेश दिया था, यानी उनको परमिट किया था, वो आदेश बिल्कुल गैर वाजिब है, इलीगल है, असंवैधानिक है। दूसरी बात आपको बता दूं, 94 से ज्यादा टूटी टूटी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वहां सारे खंभों पर वेद और शास्त्रों की ऋचाएं मिली हैं, संस्कृत श्लोक मिले हैं, पुरानी कलाकृतियां मिली हैं, और बहुसंख्या में इतनी सामग्री है कि कोई भी देख के कह देगा कि भव्य पाठशाला और मंदिर था, और केवल हिंदू का था, हिंदू वेद शास्त्र की पढ़ाई के लिए था। और इसलिए यही नहीं, इस रिपोर्ट ने आग खोल दिया है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जितनी विवस्था जो जितना कुछ किया था, उन सब का पर्दाफाश एक एक करके हो रहा है। ज्ञानवापी में हुआ, यहाँ हुआ, और मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरी पूरी लीगल टीम इस सारे उन जगहों को जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको पुनः वापस लेने में सक्षम होंगे। और मुझे खुशी है कि मैंने पेटिशन में जो कुछ लिखा था, काफी शोध के बाद लिखा था, 32 फोटो लगाई हैं, सारी बातें सत्य साबित हो गई, और एक एक फोटोग्राफ वेरीफाई हो गई, और इस बात के पक्के सबूत हैं कि वह केवल मंदिर था, मंदिर रह सकता, और मंदिर के अलावा वह कोई पूजा पाठ के अलावा कोई नमाज या मुस्लिम धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता है।